ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेली के इस अध्याय में रोजनामचा यानी जर्नल के अंतर्गत हम समझेंगे जर्नल से आशय यानी मीनिंग ऑफ जर्नल, और साथ ही समझेंगे जर्नल का प्रारूप यानी फॉर्मेट ऑफ जर्नल। हिसाब किताब रखते वक्त कोई भी एंट्री सीधे लेजर में नहीं की जाती है, बल्कि पहले उसे जर्नल में लिखा जाता है, उसके बाद उसके आधार पर खाते बनाए जाते हैं। टैली में जब हम एंट्री करते हैं तो वह अपने आप ही संबंधित खातों में पोस्टिंग कर देता है। जर्नल को हम इस तरह से समझ सकते हैं, कॉमर्स की भाषा में जर्नल प्रारंभिक लेख की वह पुस्तक है जिसमें व्यापारी अपने दैनिक लेनदेन का लेखा पूरे विवरण सहित डेबिट और क्रेडिट में उनको वर्गीकृत करके डेट वाइज और जिस क्रम में सौदे हुए हैं उस क्रम में करता है। आइए अब देखते हैं जर्नल का प्रारूप। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले खाने में लिखी जाती है तिथि, यानी जिस भी दिन लेन देन या सौदा हुआ है उसकी तारीख यहाँ पर लिखी जाती है। दूसरा खाना है पर्टिकुलर्स का यानी विवरण का। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, जब हम जर्नल में कोई एंट्री करते हैं तो इसमें सदैव एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। तो ये यहाँ पर बताए हुए फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, ये हमने ऊपर लिखा, और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट को डेबिट में हमने जो भी पर्टिकुलर लिखा है उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ करके टू करके फिर लिखा जाता है, और इसके नीचे ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं तो ये जो यहाँ पर विवरण दिया हुआ है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी ये जो कैश अमाउंट है इससे बिजनेस शुरू किया गया, ये कहलाता है नरेशन। और इस नरेशन को लिखे बिना जर्नल में जो भी हम लेन देन का लेखा लिखते हैं वो अधूरा रहता है, इसलिए ये नरेशन लिखना यहाँ पर ज़रूरी है। नकद माल बेचा या खरीदा या जो भी उसका संक्षिप्त विवरण है वो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। इसके बाद है लेजर फोलियो, जिसे हम शॉर्ट में LF कहते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग में जब जनरल के आधार पर लेजर में पोस्टिंग की जाती है तो यह याद रखने के लिए कि जनरल की इस एंट्री की पोस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है तो लेजर में कहाँ हुई है, लेजर का पेज नंबर यहाँ पर लिख दिया जाता है। किंतु टैली में इसकी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि टैली में एंट्री करते ही लेजर में पोस्टिंग अपने आप हो जाती है। इसके बाद के जो खाने हैं वो हैं अमाउंट के। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा, तो वो दोनों अमाउंट हमको यहाँ लिखना होता है। डेबिट के सामने हमने डेबिट का अमाउंट लिखा और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। टैली के इस अध्याय में रोजनामचा यानी जर्नल के अंतर्गत हमने जाना जर्नल से आशय यानी मीनिंग ऑफ जर्नल, और जर्नल का प्रारूप यानी फॉर्मेट ऑफ जर्नल।